एक बार की बात है, एक अकेला हाथी एक जंगल में बसने आया। यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर के पास गया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल उसने खरगोश से कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले एक मेंढक के पास गया और वही सवाल मेंढक से पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इन सब के पीछे क्या कारण है? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन सबको छोड़ दो, तो चोट ना पहुंचाओ। शेर ने उसका मजाक बनाया और हाथी को एक तरफ जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने शेर को अपनी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहाँ से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की ओर देखकर खुश हुए। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। और फिर वो सब दोस्त बन गए।